एफओएमसी मीटिंग से पहले ग्लोबल मार्केट में नर्वसनेस देखी जा रही और सात समुंदर पार इंडियन स्टॉक मार्केट भी इससे अछूते नहीं रहे। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवेश गौर। लास्ट वीक इंडियन स्टॉक मार्केट में मुनाफा वसूली देखी गई। निफ्टी में 2% की भारी गिरावट दर्ज की। वहीं बैंक निफ्टी और निफ्टी मेटल इंडेक्स ने मार्केट को सपोर्ट देने का काम किया। डेटा की बात करें तो एफआईज ने 1900 करोड़ की बिकवाली की, वहीं डीआईज ने भी 2900 करोड़ की बिकवाली की। डेरिवेटिव डेटा की बात करें तो एफआईज का इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग एक्सपोजर 28% पर है। पुट कॉल रेशियो 0.7 पर है, विच इज न्यूट्रल टू पॉजिटिव। टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो निफ्टी में एक डबल टॉप फॉर्मेशन बन रहा है, जहां 18,101 रेजिस्टेंस जोन है। यदि निफ्टी यहां से नीचे आती है तो 17,500 से 17,300 निफ्टी के लिए एक सपोर्ट लेवल होगा। यदि निफ्टी 17,300 के लेवल को भी ब्रेक करता है तो 17,100 से 17,000 निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा। यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई 41,840 को टच किया, जहां से हमें एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है। 40,500 बैंक निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। यदि बैंक निफ्टी 40,500 के लेवल को भी ब्रेक करता है तो 39,700 तक के लेवल बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीक के क्यूज की बात करें तो यूएस का एफओएमसी मीटिंग 22 सितंबर को स्केड्यूल है। इसी दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड अपने इंटरेस्ट रेट भी डिक्लेयर करने वाले हैं। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड पर भी हमें अपनी नजरें बनाए रखनी होगी। नाउ कम टू द रिकमेंडेशन फॉर द नेक्स्ट वीक बाय थर्मेक्स एट CMP 2561, अवर SL वुड बी 2440 विद टारगेट 2814। दिस इज ऑल अबाउट फॉर द नेक्स्ट वीक। थैंक यू।